पॉट को रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम प्लांट निकालें तो उसी टाइम हम हाथ के हाथ उसमें लगा के और मिट्टी भरना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि हवा से धूप से जड़ों को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, तो उनके बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, मरने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। 10 इसमें क्या होता है, प्रूनिंग द रूट, इसको निकालेंगे हम। हम देखते हैं अगर हमारा प्लांट नया हमने खरीदा है ना, नया से मतलब उसी साल का है प्लांट, अगर पुराना प्लांट है उसकी जड़ बड़ मोटी होती है, तना मोटा होता है, ये आपको दिख जाएगा खरीदते टाइम ही। और अगर प्लांट पुराना है तो उसका स्टेम काफ़ी मोटा होगा, तो नेचुरली उसका जो रूट बॉल होगा काफ़ी घना होगा, ठीक है ना। तो आप उसमें से गमले में से या पॉलीथिन में से प्लांट को बाहर निकाल के और निकाल ही लेंगे, उसका रूट बॉल दिख जाएगा, तो उसमें से आप कटर से आप तो उसकी रूट्स की आप कटिंग कर दीजिए आसपास से एक्स्ट्रा रूट की, और जो बीच की मोटी रूट है उसे भी आप थोड़ा छोटा कर दीजिए। क्या होगा, रूट्स जब नई रूट्स बनेंगी तो प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होगी और नई रूट से प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी फूड भी बहुत अच्छा से ले सकता है। अभी आता है पॉइंट नंबर 11, यानी आपने प्लांट उसमें से निकाला गमले में से, तो आप क्या देख रहे हैं उसमें कि उसकी मिट्टी कैसी है, रेड वाली मिट्टी है या चिकनी वाली काली मिट्टी है ना। अगर नॉर्मल मिट्टी है तब तो कोई बात ही नहीं, और आपके घर का पुराना लगाया हुआ प्लांट है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो आप नर्सरी से लाए हैं और उसमें चिकनी मिट्टी लगी हुई है तो फ्रेंड्स उसको निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में मिट्टी कई बार पानी सूख ही जाता है जब तेज़ गर्मी पड़ती है, तो वो ना इतना रॉक सॉलिड हो जाता है वो पोर्शन रूट्स वाला कि प्लांट को पानी मिलता ही नहीं है, पानी उधर तक पहुँच ही नहीं पाता। तो मैं तो खैर ज़्यादातर सारे प्लांट्स की मिट्टी चेंज कर देती हूँ, तो मार्केट से लाए हुए प्लांट की मिट्टी चिकनी मिट्टी कैसे निकालना है इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करें आप कि जो आपने प्लांट निकाला है उसको पानी से भरे किसी टब में या छोटी बकेट में उसको डाल दीजिए, मिट्टी अपने आप फूल जाएगी और धीरे धीरे वो अपने आप ही पिघल के उसमें से दूर हो जाएगी, है ना। और जो नए लोग हैं वो उसमें अपने हाथ से उसे तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे रूट डैमेज हो जाएगा। आपको जो मतलब जो रूट्स आपको काटनी है आप उसको पहले क्लीन कर लीजिए, पानी में ही उसको डला रहने दीजिए 10-15 मिनट, धीरे धीरे मिट्टी अपने आप हटती जाएगी उसमें से, तब आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 में आता है कि आपकी आपने प्रूनिंग रूट्स की कर ली, अब आप ब्रांचेस की प्रूनिंग भी इस टाइम कर सकते हैं। यदि आपका पुराना प्लांट है तो इस टाइम आप ब्रांचेस कट कर दीजिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा ब्रांचेस दिख रही हैं या जो आप प्लांट की शेप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ब्रांचेस की प्रूनिंग कर दीजिए, है ना। ये सही टाइम है ब्रांच की प्रूनिंग करने का। अब आता है पॉइंट नंबर 13 में आता है रिपोर्टिंग द प्लांट। जो हमने प्लांट की रूट प्रूनिंग भी हो गई, ब्रांचेस की भी प्रूनिंग भी हो गई, तो हमने प्लांट गमले में मिट्टी भर ली थी 2-3 इंच, है ना। तो अब प्लांट को उसमें बिल्कुल बीच में रखें और हम उसमें मिट्टी डालना शुरू कर देंगे। मिट्टी हम उसको तभी तक डालेंगे जबकि गमले का जो ये टॉप लेवल है, ये वाला लेवल है, उससे जो है उसकी मिट्टी, प्लांट की मिट्टी 2-3 इंच तक नीचे रहनी चाहिए। उससे क्या होता है, गुड़ाई करने में, खाद डालने में, पानी डालने में बहुत आसानी से रहती है। अगर आप ऊपर तक मिट्टी भर देंगे तो पानी कितना डालेंगे आप और कितना प्लांट को जाएगा, वो तो मिट्टी समेत बाहर आएगा पानी ना, इसलिए इधर से 2-3 इंच की जगह रहना बहुत ज़रूरी है। और प्लांट बीच में रखिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए प्लांट आपका, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ प्लांट बहुत बुरा लगता है। तो अच्छा रहे कि आप ये करते टाइम आप किसी ऊंची जगह पे गमले को रखें और खुद थोड़ी नीची जगह पे बैठें, जैसे इसको आप किसी टेबल पे रख सकते हैं या जीने पे ऊपर रख सकते हैं और आप थोड़ा नीचे बैठ के करेंगे तो आपको लेवल सही समझ में आएगा प्लांट का, और प्लांट की पोजीशन भी बिल्कुल सही समझ में आएगी। प्लांट को अच्छी तरह से ठोक ठोक के मिट्टी चारों तरफ से दबा दीजिए। अच्छा रहे कि आप जो खुरपी होगी उसके पीछे बैक वाले हिस्से से लकड़ी से अच्छे से ठोक ठोक के उसको अच्छे से ठोक ठोक के आपको दबा देना चाहिए, कहीं से कोई एयर गैप ना रह जाए। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 14, पानी। प्लांट को इस टाइम आप पानी दीजिए अच्छे से, पहली बार तो खूब भर के पानी दीजिए अच्छा ऊपर से कि ड्रेनेज होल में से निकल जाए पानी। उसके बाद ज़्यादातर प्लांट्स को वही रहता है कि टॉप लेयर उनकी ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप उसमें पानी दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके पॉइंट नंबर 15 कि प्लांट तो हमारा लग गया है ना, लेकिन अब इसको हम कहाँ रखें।
तो फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत लोग इसको प्लांट लगा के उन्होंने सोचा हमने तो पूरी प्रिकॉशन ली है और प्लांट भी हमारा पुराना ही था, इसी को तो रिपोर्ट किया है और इसको ले जाके डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, पर उस टाइम प्लांट बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है। अच्छा रहता है कि जैसे जो लोग प्लांट को 6-7 दिन के लिए शेड वाले एरिया में रखें, शेड से मतलब है ऐसी जगह पे जहाँ उसे रोशनी तो मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट उसे ना मिले, है ना। तो या तो किसी आप बरांडे में रख सकते हैं, या किसी बड़े प्लांट के नीचे रख सकते हैं, या 4-5 बड़े पौधों के बीच में आप छोटा गमला रख सकते हैं, ठीक है। ऐसी जगह पे ना रखें कि आपने बिल्कुल अंधेरे कमरे में ही रख दिया कि उसको सनलाइट ज़रा भी नहीं मिल रही। डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट तो उसे चाहिए ही चाहिए ना। कम से कम 6-7 दिन तक उसको ऐसे ही एरिया में रहने दें, उसके बाद उसे धीरे धीरे कम धूप से ज़्यादा धूप की तरफ लेकर आएं, यानी 1-2 दिन उसे कम धूप में रखें, 1-2 घंटे की धूप दें, उसके बाद धीरे धीरे 1-1 घंटा बढ़ाते बढ़ाते 5-6 दिन में उसको ज़्यादा धूप की तरफ उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आएँ। अब प्लांट तो आपका लग गया फ्रेंड्स, अब आता है पॉइंट नंबर 16। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है, यानी फर्टिलाइज़र। आप देखिए अभी हमने प्लांट बनाया, उसकी मिट्टी बनाई तो हमने उसमें फर्टिलाइज़र खूब अच्छे से डाला हुआ है, तो अभी प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है कम से कम 2 महीने तक, है ना। तो 2 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र ना दें और उसके बाद उसको आप धीरे धीरे माइल्ड फर्टिलाइज़र दें। माइल्ड फर्टिलाइज़र में क्या आता है, माइल्ड में आते हैं जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र या कंपोस्टी, इस तरह के आप हल्के वो दें। उसके बाद धीरे धीरे प्लांट की जो भी आवश्यकता के अनुसार जो उसकी ज़रूरत में जो भी फर्टिलाइज़र बेस्ट हो, आप उसके धीरे धीरे 15 दिन बाद या 20 दिन बाद उसको रेगुलर वो देना शुरू करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट समझाया है कि प्लांट्स को नर्सरी से लाकर कैसे लगाना है बहुत बारीकी से। तो आई होप मेरा ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और हम जो नए नए लगाने वाले हैं प्लांट्स उनको भी समझ में आ रहा होगा कि वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनके आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।